इस वीडियो में हम अपने इंटेंट्स को चेक करेंगे। हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर इंटेंट्स जो है वो किसको कह रहे होते हैं और इंटेंट्स क्या होता है। इंटेंट्स को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे लेट्स सपोज मुझे अपने मोबाइल के सारे कॉन्टेंट नंबर चाहिए, मुझे सारी ईमेल मैसेजेस चाहिए, ये मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं, मेरे जो है मेरे पर्पज़ है, मैं क्या करने चाह रहा हूँ, अपने मोबाइल से क्या इन्फॉर्मेशन कैट करने चाह रहा हूँ। इंटेंट्स के लिए जो है वो प्री डिफाइन हमारे पास फ्रेमवर्क अवेलेबल है SDK के अंदर डिफाइन हमारे पास, जिसमें हम अपने इंटेंट्स को डिफाइन करते हैं। लेट्स सपोज मैं अपनी एप्लीकेशन में डिफाइन करना चाह रहा हूँ कि इस वक्त करंट मेरे पास मिस कॉल जो है वो मेरी एप्लीकेशन पिक करें और उन्हें कॉल करते, तो क्या करेंगे हमारे पास, अपने इंटेंट कॉल करेंगे कि मुझे तमाम ऐसी जो है हम एंड्रॉयड से रिक्वेस्ट करेंगे SDK से कि मुझे ऐसी तमाम इंटेंट्स जो है डिफाइन करेंगे कि वहाँ पास हमें इस पर जितनी भी मिस कॉल्स हैं उनके लिस्ट मुझे प्रोवाइड कर दे। तो इस तरह हम अपने इंटेंट्स को डिफाइन करते हैं। हमारे पास इंटेंट्स जो है वो एक एक्टिविटीज़ है हमारे पास जो हम अपनी एप्लीकेशन में डिफाइन कर सकते हैं और अपने नॉर्मल कर सकते हैं। मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि हाँ मेरे पास कैमरे का शटर ऑन है नहीं ऑन, ये मेरा एक इंटेंट है। मैं इस पर देना चाह रहा हूँ मेरे पास मेरे कैमरे के ऊपर जो मोबाइल का कैमरा है उसके अंदर इस वक्त करंट जो भी मोबाइल के ऊपर जो करंट पिक्चर आ रही है उसको मैं कैट कर लूँ, उसका सरफेस एरिया जो है कैट करूँ, करंट जो भी पिक्चर है उसको कैट करके कहीं सेव कर लूँ। तो ये तमाम हमारे पास जो है वो इंटेंट्स जो हम अपनी एक्टिविटीज़ के अंदर प्रोवाइड करते हैं यूटिलाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल हमने लेते हैं। हमारे पास एक्टिविटी है जो हमारी मेन एक्टिविटी होती है उसको हम जब लॉन्च करते हैं उसके अंदर हमने इंटेंट हमने फिल्टर डिफाइन किया कि हमारे पास जो फर्स्ट एक्शन इंटेंट होगा वो मेन होगा। तो हम जैसे ही अपनी एक्टिविटी ऑन करेंगे तो मुझे फर्स्ट क्या रिक्वायर्ड की है, मुझे अपनी एप्लीकेशन का मेन लोड करना है। इस तरह हमारे पास जो है नेक्स्ट हमने एक और फिल्टर डिफाइन कर दिया, इंटेंट फिल्टर डिफाइन कर दिया कि जब यूज़र जो करना चाह रहे हैं हमारे पास इंटेंट्स की जो एंड्रॉइड डॉट एक्शन व्यू एडिट पिक डिफरेंट हमारे पास एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हम जो है वो रिक्वायर्ड कर सकते हैं रन टाइम के ऊपर। सेम लाइक हम यहाँ पे एक और MIUI टाइप हम डिफाइन कर सकते हैं, जब हम अपनी पिक्चर्स को सेंड करते हैं, मैसेज सेंड करते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, तो हम यहाँ पे win.google.node की जो है पास कर्सर जो है वो उसकी एक इंटेंट जो है कॉल कर लेते हैं डेटा वगैरह कलेक्ट कवर करने के लिए। तीसरा हमारे पास अपनी एक्टिविटीज़ के अंदर हम डिफरेंट इंटेंट्स डिफाइन कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट्स डिफाइन कर सकते हैं अपनी कि हमें इस एप्लीकेशन के थ्रू जो प्री डिफाइंड एप्लीकेशन हैं वो यूज़ करते हुए हम लोड कर सकते हैं। इसमें हम लास्ट में हम इसको इस तरह डिफाइन भी कर सकते हैं कि मुझे अपनी एक एप्लीकेशन के अंदर मुझे अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर मेरे अपने मोबाइल ये करंट मोबाइल जिस पे वो डिवाइस है उसके सारे कंटेंट्स चाहिए, तो उसके लिए मुझे अपनी कोई एक्टिविटी डिफाइन करनी ज़रूरत है। मैं प्री डिफाइंड SDK के इंटेंट्स को कॉल कर लूँगा। हम अपने इंटेंट्स को भी डिफाइन कर सकते हैं लेकिन इंटेंट्स के रूल के अंदर जो इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि हमारा जो भी इंटेंट डिफाइन होगा वो यूनिक होगा क्योंकि जावा की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो अब अपने ऑन कस्टमाइज्ड इंटेंट्स भी डिफाइन कर सकते हैं।